ले लिया सबने डिग्री भी पक्का? अरे जल्दी 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 पास करो, फास्ट फास्ट बेटा, इतना स्लो कैसे चलेंगे? तुमको इतना टाइम लिया, फास्ट फास्टली पास करो बेटा डीपीपी। बस बस बस, हाँ फास्टली पास करो डीपीपी। एक मुझे देना डीपीपी में, डीपीपी में देखो कैसे क्या सोल्व करने हैं। ये तो थोड़ा सिंपल लेवल की डीपीपी है, किसने सिंपल लेवल की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा मैं कल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, सॉरी एल्केन। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर आपको नहीं करना है, फोर आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिफ्थ सिक्स एक बार ट्राई करना है, ठीक है? सेवंथ, एट्थ, कितने हो गए ये सेवन, जितने हो जाए बता देना मुझे, ठीक है ना? ट्वेंटी होते बता देना, ट्वेंटी, ठीक है? नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, ठीक है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है? नाउ सेकेंड टॉपिक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन एंड अल्कीन, इसमें कितने अटेम्प्ट करने बेटा वो मैं बता देता हूँ अभी। फर्स्ट नहीं करना, सेकेंड नहीं करना है, थर्ड करना है, ठीक है? थर्ड करना है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, कितने हो गए टोटल? ट्वेंटी हो गए, ट्वेंटी वन हो गए ना? तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए बेटा बताओ? फिफ्टीन मिनट से ज़्यादा लग रहा है, मतलब तुम लोगों का कंसेप्ट वीक है। फिफ्टीन मिनट में तुम लोगों का सॉल्व हो जाना चाहिए, मेरी बात मानो तो बारह मिनट में ही हो जाना चाहिए, बहुत ईजी है, बोला है ना? देखे ना तुमने कितने छोटे छोटे कंपाउंड है, एक बच गया, क्या रख दे तो कुछ देना रखने के लिए इसको। अरे तेरी डीपीपी ये लेना, बच गया ये, हाँ चल, अरे कुछ दे इस पर, ठीक है? नाउ अब स्टार्ट करो अगला, अगला स्टार्ट करो बेटा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस का समझ में आ गया? अच्छे से, अच्छे से समझ में आ गया? अरे तुम लोगों को एक और मैं सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ, तुम लोग वहाँ पर कंफ्यूज है ना, हो जाते कि आरएफपीडी पहले फंक्शनल ग्रुप पर लगाओ, बताया था ना मैंने, वो कंफ्यूजन एक काम करो हटा दो, वो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही बिहेव करा लो, तुम हो जाएंगे क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है? तुम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कराओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जिसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है?
जहां तक बात क्लियर है उसको तुम लोग है ना, तुम लोगों ने जो RFPD याद किया है ना वही ध्यान रखो, एक्स्ट्रा याद मत रखो। मुझे भी तुम लोगों के ऊपर दया आ गई, तो ध्यान रखना RFPD तुम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे साइमल्टेनियसली, देन आफ्टर डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट, तो फंक्शनल ग्रुप भी आए तो उसको सब्स्टिट्यूएंट माना है ना, तो वैसे ही बिहेव करा दो, आंसर आ जाएगा, उससे भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। हाँ बस ये ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ले लेना है, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दो मिनट रुकना, वहां बुला के ला दो, तो वहां बैठे होंगे ना भले का जो भी बैठे होंगे ना उनको बुला के क्या, जल्दी से लिखो। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, लिखो अगला, एल्डिहाइड भी क्या है बेटा, एल्डिहाइड भी क्या है बेटा, इसको थोड़ा जूम कर देना, इतना ही सर्कल आना चाहिए, नीचे आगे पीछे मत आने दे, ठीक है। हाँ CHO, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड क्या होगा, CHO, बात क्लियर है। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या है बेटा, कार्बन इज द फर्स्ट एटम, अब वापस मिल गया भाई, अभी हमने सुबह क्या पढ़ा था, सुबह क्या पढ़ा था, किसका पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा था, जिसमें आपका क्या था, कार्बन इज अ फर्स्ट एटम। यहां पर एल्डिहाइड में भी क्या बात है, कार्बन इज अ फर्स्ट एटम। एक्चुअली एल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं, CHO ग्रुप, क्या लिखते हैं, CHO ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अब देखो वहां पर क्या था बेटा, वहां पर क्या था, सी डबल बॉन्ड OH, इस बार क्या है, सी डबल बॉन्ड OH, यह आपका है, बात क्लियर है, बात क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है, रूल सारे वही अप्लाई होंगे जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लाई किए थे, रूल सारे वही अप्लाई होंगे, क्लियर है बेटा बात। चलो लिखो, स्टार्ट करो, इसको लिख लो, मैं तुम्हें दो मिनट बताता हूं। लिख लो इसको अच्छे से, थोड़ा सा जूम कर दे, जूम करो ना, यहां तक आना चाहिए, इसको मत आने दे, उससे क्या है, इतना दिखेगा ना, इतना दिखेगा, इतना भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना इतना, और यहां पर इतना दिख रहा होगा, बस काफी है ना, ओके ओके ठीक है, हाँ हाँ वो सही है, चलो ठीक है, मैडम का सर दुख रहा है एक्चुअली, मैडम का सर दुखता है एक्चुअली, चलो यहां तक आ गया तुम लोगों को समझो बेटा, चलो ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हम लोगों को करना है सॉल्व, ठीक है। इसमें कार्बन एज क्या है बेटा, फर्स्ट एटम, जो तरीका मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज किया था वही तरीका इसके लिए यूज करेंगे। अब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बताया था, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो क्या लिखते हैं, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक समरी लिख लेना, समरी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कि इसका कैसे करोगे, ठीक है। अगर मेरे पास 1COOH ग्रुप होता था तो मैं कैसे नाम लिखता था, 1COOH होगा तो मैं कैसे नाम लिखूंगा, मतलब क्या लिखूंगा, अल्का एल्केन, बोलो XY डाइओइक एसिड, अगर एक होगा तो एक्स ओइक एसिड, सॉरी अगर दो COOH होंगे तो एल्केन XY डाइओइक एसिड, ये चीज तो तुम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज तो सिंपल थी। इसी तरीके से अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्या लिखेंगे, एक एल्डिहाइड होगा तो क्या लिखेंगे, एल्केनल अल, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स हम क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स हम क्या लिखेंगे बेटा, अल, क्या लिखेंगे, AL, अल, बस ठीक है।
क्या लिखेंगे, ए एल एल। यहां तक क्लियर हुआ बात, यहां तक क्लियर हुआ। अब स्टार्ट करें नेमिंग करना। अब नेमिंग कैसे करेंगे बोलो, मैंने तीन 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 पार्ट में डिवाइड किया था ना कार्बोक्सिलिक को, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन एल्डिहाइड ग्रुप, लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन वन एल्डिहाइड ग्रुप, लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन एल्डिहाइड ग्रुप। बहुत अच्छा बच्चा, जल्दी जल्दी लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन एल्डिहाइड ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन एल्डिहाइड ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है बेटा, जो एक एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करेगा, ठीक है। तो देखो इधर, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब इसको समझेंगे बेटा, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात किया, ये बोलो क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, एक। एक के लिए क्या यूज करते हैं बोल, मेथेन, मेथेनॉल, हो गया मेथेनॉल, क्लियर हुआ। इसके लिए क्या करेंगे जल्दी बोलो, CH3CHO, जल्दी बोलो। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, सिमिलरली कार्बोक्सिलिक की तरह, सिमिलरली किसकी तरह बताओ, नंबरिंग कहां से करेंगे, वन और टू, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोल, क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेनॉल। ये बात समझ में आया, समझ में आया। अगर मैंने इसके लिए बोला बोलो, देखो CH3CH2CHO, ये सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह, नंबरिंग कहां से करेंगे बोलो, नंबरिंग कहां से करेंगे, CHO से, तो क्या आएगा, वन टू थ्री, क्या हो जाएगा बेटा बोलो दीजिए जल्दी से, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा नाम इसका, प्रोपेनॉल, वेरी गुड। बात समझ में आया। अगर मैंने बात किया एक और कंपाउंड, देख लो ध्यान से, CH3CH2CH2CHO, आप बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, ये बात समझ में आ गई ना, कैसे कर रहा हूं मैं, वन टू थ्री फोर, नाम क्या हो जाएगा जी, जल्दी बोलो बेटा, फास्ट ब्यूटेन नल, बात क्लियर हुआ ये, ठीक है। दिस इज एग्जांपल नंबर वन टू थ्री एंड फोर। अब नाउ एक और देख लेते एग्जांपल, ठीक है, फोर, फोर के बाद मैं फाइव की बात कर रहा हूँ, फाइव एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, जो कि काफी सिंपल होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को इतना टाइम क्यों दिया, अब समझ में आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने इतना टाइम क्यों दिया, उसको भी मैं शॉर्टकट में पढ़ा सकता था, अब समझ में आ गया। अब जो भी है वो सारे के सारे किसकी तरह है, बस उसमें भी ओल्ड फैशन का नाम होगा, उसमें भी न्यू फैशन की तरह नाम होगा, जब तीन होगा उसमें भी सिमिलरली चलेगा, बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO, बताओ कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे CHO। ये बात ध्यान रखना, CHO को ऐसे भी लिखा जाता है, CHO को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ, वन टू थ्री फोर फाइव, बताओ क्या होगा नाम, जल्दी बोलो आप लोग, सब्स्टिट्यूएंट है फोर मिथाइल पेंटेनल, हो गया बेटा नाम, हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन वनल, पेंटेन वनल। ये बात थोड़ा सा समझो, एक पर एल्डिहाइड है ना, तो पेंटेन वन अल बेटा। यहां पर देखो सब्स्टिट्यूएंट कहां पर भी रहे, लेकिन यहां पर मेरी मजबूरी फिक्स है कि मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, फंक्शनल ग्रुप से, यहां पर मेरी मजबूरी है, ठीक है। इस चीज को समझो, बार 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 फोकस करो, ठीक है। अगर मैं सिक्स एग्जाम्पल की बात करूं तो बोलो सिक्स एग्जाम्पल क्या होगा, CH3 CH C2H5 CH3 CH2 CHO, आप बताओ क्या होगा नाम, जल्दी बोलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बोल बेटा बोल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, ये वाला होगा ना,
हाँ ये वाला। क्यों? इसको थोड़ी देर हटाओ, यहां पर लिखो CH2CH3। आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हुआ, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। बोलो नाम क्या होगा? फोर मिथाइल। सबके सब बोलेंगे फोर मिथाइल, फोर मिथाइल हेक्सेन वन अल। बात क्लियर है? तो फिर हेक्सेनल भी बोल सकते हैं। समझ में आया बात? क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का श्योर? किस किस को क्लियर हुआ कंसेप्ट? किस किस को क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों को अब बोलना है। अब मेरा बोलना खत्म हुआ क्योंकि तुम लोगों को मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड काफी अच्छे से बता दिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड तुम लोगों को मैंने काफी अच्छे से बता दिया था। अब देखो सेवंथ एग्जाम्पल मुझे बताना, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये अच्छा नहीं लग रहा, अब थोड़ा अच्छा बनाए, बनाओ अच्छे से। हाँ कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, करेंगे सबसे पहले इसको कार्बन चेन बनाएंगे। ऐसा तो अब तुम लोगों ने काफी कर लिया है, अब तो ये पता पड़ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। एक बात क्लियर है? बताओ जल्दी से क्या होगा। इसमें भी CH3 है, ये वाला हो गया, ये वाला भी जो चल रहा है CH3। अब बताओ क्या है, आप बताओ, सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट करो साहब। ये वाला होगा ना, हाँ या ना? नहीं। कितने बच्चे नहीं बोल रहे? पक्का नहीं? कौन सा होगा? ये वाला? ये वाला नहीं होगा? ये वाला? ये वाला तो पक्का होगा। चलो मतलब तुम लोगों को आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर बोलो, बोलो क्या होगा। 2 कोमा 3 2 कोमा। बोलो सबसे पहले तो सबको सही नंबरिंग, वैसे ही 2 कोमा 3 कोमा 4 ट्राई मिथाइल। समझ में आ गया ट्राई मिथाइल? जल्दी बोलो आप नाम। पेंग क्या आएगा? हैप्ट, हैप क्या? बोलो हैप क्या आएगा? बोलो बोलो 5 इन। पक्का हैप 5 इन 1 अल क्या आएगा? 5 हेप्टिनल। आया सिंपल था, जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड पे ध्यान दिया था उसको ये अब आ रहा होगा इजीली। ठीक है नेक्स्ट एट, एक और करोगे क्वेश्चन? हाँ या ना? पक्का श्योर? तो करो चलो फटाफट। CH3CH2H5CH C ट्रिपल बॉन्ड CCHO। अब बताओ इसका कैसे करोगे, बनाओ जल्दी से इसका। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे? कार्बन चेन में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना? पक्का श्योर? बताओ कैसे करोगे। यहां पर क्या आएगा? CH3 कितनी बार आएगा इसके ऊपर? अब आगे क्या आएगा? उसके बाद बोलो नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करना मजबूरी है? क्योंकि कार्बन एटम कौन सा है? फर्स्ट एटम है। अगर कार्बन एटम फर्स्ट एटम नहीं होता तो तरीका कुछ और होता। ठीक है बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 एंड 6। व्हाट वाज द आंसर? आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। 4 इथाइल 4 इथाइल के बाद 5 कोमा 5 डाई मिथाइल। आगे बोल
बोलो हेक्स, हेक्स क्या आ जाएगा? टू आइन, बोलो आंसर, वन अल, सॉल्व इजीली, समझ में आ गया? क्या हो गया, आवाज नहीं आई थी? पहले कम कर दिया करना, मेरी वॉल्यूम पहले ही ज्यादा है ना। बोलो क्या? हाँ वो बोला तो सही। समझ में आ गया ये पूरा अच्छे से, क्लियरली कंसेप्ट हो गया। कब था ये कंडीशन? कंडीशन कब के लिए? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन एल्डिहाइड ग्रुप, आप लिखो फटाफट। हाँ तो अभी तो बोला था। समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म कौन सा करेंगे? टू एल्डिहाइड ग्रुप वाला। कितने एल्डिहाइड ग्रुप वाला? टू एल्डिहाइड ग्रुप वाला हो जाएगा। हो गया, होने तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? हो गया, आप सही हो जाएगा, आप जाओ। मैं थोड़ी ना सिंगर हूँ जो आवाज अच्छी आएगी मेरी। क्यों, सही है गलत? क्लियर आया? समझ में आ गया? पक्का श्योर? किस किस को डाउट है? अरे मैं गाना गाने वाला थोड़े ना, जो आवाज अच्छी आएगी। आवाज तो मेरी बहुत बेस हो रही है, वो तो आनी है। आ गया समझ में अच्छे से? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई डाउट है? डेली का डेली कौन कौन पढ़ रहा है, हैंड राइज करना, मैं उस क्लास में पूछ के आता हूँ डाउट है तो। ठीक है, जब तक तुम लोग करो इसको नोट डाउन करो फटाफट।
होगा समझ में पक्का। डन, नेक्स्ट ट्रिक हो। नेक्स्ट ट्रिक हो बेटा, अच्छे से देखो इधर, यहां पर इतना सब कुछ तुम लोगों ने कर लिया। नाउ अब क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो जी जल्दी से, विच कंटेन क्या, टू एल्डिहाइड ग्रुप, विच कंटेन टू एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या होगा, तब क्या होगा बोलो, तब का तब के लिए क्या रूल है बोलो, तब के लिए क्या रूल है बेटा। हाँ चलो हो गया, हाँ तब के लिए क्या रूल है बेटा बोलो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सा सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सा सेलेक्ट करना है जिसके अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप हो, जिसके अंदर कितने एल्डिहाइड ग्रुप हो बेटा, दो हो। अब दो एल्डिहाइड ग्रुप वाला तुमको सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे बेटा जल्दी बताओ, स्टार्ट करें बेटा, हाँ या ना, पक्का तुम लोग खुद कर लोगे, सोच लो समझ लो बेटा, टाइम मत देख, टाइम कम है ठीक है, टाइम कम है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, अच्छा अभी तो बहुत टाइम है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, एग्जांपल नंबर वन कैसे करेंगे बेटा जल्दी बताओ, अब सेलेक्ट करो क्या क्या करोगे, ये वन और ये टू, नाम क्या होगा, डाई कैसे हो जाएगा सीधा, इथेन वन कोमा टू डाइल बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इथेन डाइल सीधा बोल सकते हैं बेटा ठीक है, तुम लोग ऐसे लिखो वन कोमा टू इथेन वन कोमा टू डाइल ठीक है, आगे जाके तुमको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी ठीक है, इथेन वन कोमा टू डाइल। ये बात किसको समझ में नहीं आई, ये बात किसको समझ में नहीं आई, हैंड रेस करो, किसको समझ में आ गई हैंड रेस करो, पक्का श्योर कंफर्म सॉल्व हो जाएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू हमारा क्या होगा बेटा, समझना अच्छे से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, CHO CH2 CHO। अब बताओ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाए, बताओ कहां से करेंगे, वन टू थ्री, अब बताओ नाम क्या होगा बेटा बोलो, प्रोपेन वन कोमा थ्री डाइल। देखो प्राइमरी सफिक्स में हमेशा करता आ रहा हूं यूज, ये बात समझ रहे हो आप, ये बात समझ पा रहे हो ना, प्राइमरी सफिक्स, हाँ ये बात समझ पा रहे हो ना, प्राइमरी सफिक्स में हमेशा करता आ रहा हूं यूज, ये बात क्लियर है। अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा अच्छे से मन लगा के देखना ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या होगा, एग्जांपल नंबर थ्री देखो बेटा, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में समझाना, तुम लोग खुद बोलना बेटा, सब बोलोगे आवाज आनी चाहिए सबकी ठीक है, आवाज आनी चाहिए ठीक है ना, बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन विच कंटेन ऑल फंक्शनल ग्रुप, बताओ कैसे करोगे, वन टू थ्री फोर, नाम बोलो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, नाम ब्यूटेन वन कोमा फोर डायल, बात समझ में आ गया ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है तुम लोगों को, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फोर, अब एग्जांपल नंबर फोर क्या होगा बेटा बोलो, देखो यहां पर CH3 CH2 CHO CH2 CH CHO CH3, नाउ बताओ कि क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, सब बोलो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच कंटेन ऑल फंक्शनल ग्रुप, अरे वो बहुत बड़ा ना हुआ, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं करता, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, सारे समझ में आया बात, तो यहां पर ये वन टू थ्री फोर फाइव इसको सेलेक्ट किया,
तो अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो आरएफपीडी क्या बता रहा है? दो दो इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी तो है। अब जल्दी बताओ ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। ये कौन सा है बेटा बोलो? मिथाइल। तो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आते तो हम क्या यूज करते हैं? आरएफपीडी। तो तब तो हमको करना ही पड़ेगा। चलो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, ये वाली सेलेक्ट की, क्या ये सही है? क्या ये वाली सही है? दो मेथड है ना, एक ऊपर से नीचे जाना है, एक नीचे से ऊपर जाना है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे आएंगे? 2 and 4 पे। लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो कहां पर आएंगे? 2 and 4 पे। देन आरएफपीडी आपका क्या हो गया? फेल कर गया। अगर आरएफपीडी फेल कर गया तो उसके बाद क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के बाद? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? इथाइल पहले आएगा कि मिथाइल आएगा बोलो? पक्का श्योर इथाइल पहले आएगा? श्योर है बेटा। तो आप देखो इथाइल पहले आएगा तो नंबरिंग कहां से करेंगे? ये वाला या ये वाला? नीचे से ऊपर। ये वाला करेक्ट होगा। तो हमको नंबरिंग ऐसे करनी है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ अब नाम क्या होगा जल्दी बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2-ethyl-4-methyl-pentane-1.5-diol। क्लियर हुआ? ये वाली जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5 सही है या गलत है? ये 1, 2, 3, 4, 5 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आरएफपीडी एक बार फेल हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट के नंबर की वजह से, तो हमको आरएफपीडी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 दिस वन इज करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और। कौन कौन करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? हैंड राइज करना। पक्का कर लोगे आप लोग? चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो। अरे मैंने बहुत नीचे करा हुआ है, अब तुम लोग कान में रुई डाल के आया करो। अब एक काम करो ना, वो मैडम का सर दर्द कर रहा है इसलिए जाओ। अब मैं क्या बोलूं? आ गया समझ में? पक्का? जल्दी जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, तुम लोगों को करना है। मैं उस क्लास में देखने के लिए जाऊंगा बच्चे कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है बेटा? तुम लोगों को तो पता ही है ना, मुझे उस क्लास में भी जाऊंगा मैं। इसको आपको नेमिंग करना है इसका, ठीक है? इसका आपको नेमिंग करना है। तो ये आप करो नेमिंग फटाफट। फिर हम ना 3 aldehyde ग्रुप वाला ढूंढेंगे।
इसका नाम क्या होगा बेटा बोलो, जल्दी बताओ इसका नाम, जल्दी फटाफट बताओ इसको कैसे लिखोगे, CH3 CH CH3 CH CHO CH CHO CH CH2, और यहाँ पर भी CH2, ये हो जाएगा। किस किस का सही है? CH3। ये किस किस का सही है, ये किस किस का सही है? सबका। अरे वाह वेरी गुड बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी। मना गलत हो गया तेरा, सही है ना? 1 2 3 4, ये हो गया चार कार्बन। बात क्लियर है? प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने का कार्बन की है, प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की है बच्चा? चार कार्बन की है, हाँ या ना? अब ये बताओ ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अभी हमको नंबरिंग पे ही फोकस करना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 और 3 पर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो भी सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 और 3 पे। क्या RFPD फेल हो गया? तो क्या लगाएंगे? अब थोड़ा गौर करोगे तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फेल होगा, तो कहीं से भी हम नेमिंग कर सकते हैं। तो नाम बोलो क्या होगा, 2, 3। इसका नाम कौन बोलेगा? इसका क्या करोगे, फोटो बाहर निकाल लो, निकाल लिया फोटो बाहर। 1, 2, बताओ क्या नाम होगा, 1-methyl-ethyl। तो डाई है ना, डाई पहले लिखोगे, 1-methyl-ethyl, ठीक है? आप किसी को कोई डाउट इसमें, डाई मैंने ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा, किसी को कोई डाउट? अब देखो थोड़ा समझना, डाई को मैंने मिथाइल के आगे लिख दिया होता तो क्या ये सही होता, क्योंकि वो इथाइल के साथ कितने मिथाइल होते, 2। लेकिन ऐसी बात है यहाँ पर नहीं है ना, तो तुम लोगों का क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो डाई हमेशा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है? अब देखो, अब ये बताओ तुम लोगों को दिक्कत होती होगी कि ब्रैकेट हम कब लगाते कब नहीं लगाते। ब्रैकेट हम तब लगाते जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट हो। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट था, जनरली कौन सब्स्टिट्यूएंट था, ये था। इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए, ठीक है? तो 2, 3, 1-methyl-ethyl, नाम क्या होगा बोलो, ब्यूटेन 1, 4। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, क्लियर हुआ? अब किसी भी टाइप के को क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिख लेना, हम ब्रैकेट कब लगाते हैं, हम ब्रैकेट कब लगाते हैं, कब लगाते हैं ब्रैकेट बेटा बोलो, सब बोलो, ठीक है? ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट, अगला क्या लिखाने वाला हूं बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 3-aldehyde ग्रुप, लिखो पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 3-aldehyde ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 3-aldehyde ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 3-aldehyde ग्रुप, जल्दी बोलो बच्चा। अब बताओ तुम लोग खुद बताओगे इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे? देयर आर 2 मेथड, कौन कौन से, ओल्ड कन्वेंशन एंड न्यू कन्वेंशन। ओल्ड कन्वेंशन में क्या होगा, कुछ सोच के बताओ, 100% छूटेगा, तो एक को क्या मान लेंगे, उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, समझ में आया? और आपके एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, क्या होता है, फॉर्माइल। अभी लिखा देता हूं, लिखो ओल्ड कन्वेंशन, देयर आर टू मेथड फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड विच कंटेन मोर देन 3 CHO ग्रुप, विच कंटेन मोर देन 3 CHO ग्रुप, ठीक है? फर्स्ट वन कौन सा होगा बेटा, ओल्ड कन्वेंशन। ओल्ड कन्वेंशन आप लोगों को अब एनालिसिस करना आ जाएगा बेटा, किस किस को आ जाएगा एनालिसिस करना, ओल्ड कन्वेंशन पक्का श्योर है,
समझ में आ जाएगा ओल्ड कन्वेंशन को कैसे एनालिसिस करते हैं, देख लेते हैं ओल्ड कन्वेंशन को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे देख लेंगे। अब देखो ओल्ड कन्वेंशन को एनालिसिस करने का तरीका, देखो यहाँ पर समझना, जल्दी बोलो ओल्ड कन्वेंशन कैसे एनालिसिस करोगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा बोलो बच्चा, एक छूटेगा, एक छूटेगा तो क्या करेंगे बोलो, इस पे ही लिखो आप लोग भी लिखना, इस पे ही लिखना। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको सेलेक्ट करता हूँ तो एक फंक्शनल ग्रुप छूटेगा, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप आपका रिमेनिंग बचेगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो उसका हम क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप विच एक्ट एज अ, लिखो इसमें अब फंक्शनल ग्रुप विच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप विच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट विच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो आपका किसकी तरह एक्ट करे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, then we will write the name of this substituent is, then we will write the name of this substituent is formyl। actually हम उसका कौन सा नाम लिखेंगे prefix name, कौन सा नाम लिखेंगे prefix, और aldehyde का prefix क्या होता है बेटा, aldehyde का prefix क्या होगा बेटा जल्दी बोलो, aldehyde का prefix होगा बेटा आपका formyl, क्या होगा formyl, बात क्लियर है। अब तुम लोग इसका नाम बोल सकते हो, बोलो अब जल्दी से, longest continuous carbon chain select करो, 1 2 3 4 5 क्या होगा बोलो बोलो, 3 formyl pentane 1.5 डायल। किसको समझ में आ गया ओल्ड कन्वेंशन, अच्छे से समझ में आ गया ओल्ड कन्वेंशन का नेमिंग पक्का। नेक्स्ट अगर मैं पूछना चाहूँ ये वाला बताओ बच्चों तुम लोग, एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2, ठीक है कर लोगे बच्चों अच्छे से तुम लोग, अब है ना रिविजन डेली का डेली करना स्टार्ट करो। CHO देखो यहाँ पर CH CHO thrice, अब बताओ देखने में कितना भयानक सा लग रहा है, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा होगा स्ट्रक्चर क्या होगा, आप लोगों को पता पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं पता पड़ेगा क्या होगा स्ट्रक्चर, CH CHO, बताओ इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चीज सेलेक्ट करेंगे ओल्ड कन्वेंशन, कौन सा कन्वेंशन, 1 2 3 बोलो बोलो अब नाम, 2 formyl प्रोपेन 1.3 डायल। किसको समझ में आ गया पूरा ये कंप्लीटली अच्छे से, पक्का समझ में आ गया पक्का। ये वाला बताओ, ये आपसे टकराएगा बेटा क्लास 12th में, जो कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ ना बेटा वो कंपाउंड आप लोगों से टकराएगा, वो कहाँ टकराएगा वो भी मैं बता देता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन में केनिजारो रिएक्शन के टाइम, केनिजारो या फिर एल्डोल रिएक्शन के टाइम, मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो दोनों रिएक्शन, केनिजारो एल्डोल रिएक्शन के टाइम ये कंपाउंड आप लोगों का टकराएगा, टकराएगा तो हम लोग क्या कर देंगे उसको छोड़ देंगे ना, पक्का है कंप्लीट कर लोगे, श्योर सोच लो, चलो तो यही वाला कंपाउंड आपसे टकराने वाला है, पहले ही मैंने बोल दिया, आप इसको लिख लो कहीं पर कि ये मिलेगा मिलेगा मुझे, ये इसका अस्तित्व है, ये मिलेगा मिलेगा, बताओ कि कैसे लिखोगे इसको, CHO बताओ अब, 1 2 3 तो क्या होगा, 2.2 डाइफॉर्माइल, बोलो नाम,
समझ में आ गया अब ये नाम, अब ये नाम समझ में आ गया। तुम लोगों को तो जगह भी बता रहा हूँ कहाँ मिलने वाला है, तो जगह के साथ याद रखो। हाँ सर ने बताया था, याद रहेगा, परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेने का रे बाबा। एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमारे एग्जाम में। एक और क्वेश्चन करें, एक और सिंपल या टफ? टफ तो अब है ही नहीं ना इसमें, टफ कहाँ है, टफ तो खत्म हो गए तुम्हारे जो भी था खेल। असली खेल तो एक्चुअली एल्केन एल्किन एल्काइन में, नंबरिंग तो वही था इम्पोर्टेंट। यहाँ तो तुम्हें पता ही है ना नंबरिंग हमको कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो हमको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ क्या जोर से बोलना सेंटेंस कौन सा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे, सेंटेंस ही कंप्लीट करो आप लोग, सिलेबस कंप्लीट मत करो, ठीक है? सेंटेंस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट मत करना। सिलेबस कौन कंप्लीट करता है, अच्छे बच्चे नहीं करते कभी सिलेबस कंप्लीट। अरे इसको तो ऐसे बनाना है मुझे, क्या करोगी? पक्का बना लोगे? श्योर समझ लो, बताओ। बन गया? सेलेक्ट करो सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दो दो जगह से आ सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैंने अभी अभी आते ही सबसे पहले क्या बोला था तुम लोगों के लिए, एक काम सिंपल कर देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूएंट वाला है ना उसको भी वैसे ही ट्रीट करो, ठीक है? जैसे हम पहले से करते आ रहे, ठीक है? अपना दिमाग मत यूज़ करो, 99% क्वेश्चन तुम्हारे सही जाएंगे उससे, ठीक है? ऐसे भी सही जाएंगे वैसे भी सही जाएंगे। तुम तो वही जो मैंने बताया ना पहले वाला, कब सबसे पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को साइमल्टेनियसली, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा मत करना कि फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको पहले कर रहे हो, वो मैंने बताया था, उसको दिमाग से हटा दो बेटा, ठीक है? तुम तो डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट रखो क्योंकि तुम्हारा और कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है? तो मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन। तो जल्दी जल्दी बताओ इसको फटाफट, 1 2 3। देखो अब नंबरिंग करते हैं, अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो बोलो 2, 4, 5, और अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो 3, 4, 6, विच वन इज करेक्ट? 2, 4, 5। अब बोलो नाम, सपने जा तू आगे आगे बैठ जा, बोलो जल्दी से नाम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जल्दी बताओ नाम। 4-ethyl, वेरी गुड, 4-ethyl, 2-methyl, एम के बाद आता है एफ, एफ कब आता है? एफ फॉर व्हाट? फॉर्माइल, समझ पा रहे हो ना एफ किसको बोल रहा हूं मैं? फॉर्माइल तो पहले आता है ना, तो क्या आएगा 4-ethyl 5-formyl, आगे बोलो 2-methyl, बेटा तो एक बार एबीसीडी का रिवीजन करके आना, आगे बोलो हेप्टे 1,7-di, समझ में आ गया? समझ में आ गया ये चीज, ठीक है? क्लियर है बेटा? कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गलत मत कर देना, बहुत बुरा हाल कर दूंगा उसका मैं, ये बात ध्यान रखना, मन में सेट करके चलो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो गलत नहीं करना, चाहे कुछ भी गलत करो, ठीक है? अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुमने गलत कर दिया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उसके सिवा कोई चांस भी नहीं है। अच्छा तो ये तो था हमारा कौन सा कन्वेंशन, ओल्ड कन्वेंशन, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू कन्वेंशन। तो लिखो ये वाला, लिख लो, लिख लोगे
पक्का सोच लो, लिख लोगे पक्का? जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट स्पीड से लिखो। न्यू कन्वेंशन आ गया। न्यू कन्वेंशन भी तुमको आ जाएगा बेटा, चिंता वाला कोई बात नहीं है। और हाँ 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 बेटा, एक चीज समझ लेना, मैंने जो डीपीपी में क्वेश्चन करा रखे बेटा, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका आप लोगों को समझना है। कॉपी बंद करना है, ठीक है? 20 क्वेश्चन एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और अपने आप को मार्क्स खुद देने, वो जितने सही होंगे 4 मार्क्स, जितने गलत होंगे -1, ठीक है? हर क्वेश्चन को आप लोगों को, और कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसके ऑप्शन टिक ना हो, और अगर किसी के कोई बच्चे किसी की गलती सेम मिली तो समझ लेना, मुझे पता पड़ ही जाएगा। बेटा अच्छे बच्चे तुम लोग, अपने आप को ही, अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि नहीं चाहते? हाँ या ना, चाहते हो ना? तो अपना ऑप्शन खुद इन्हें टिक करके लेके आना, कल मैं इन सब का आंसर की बताऊंगा तुम लोगों को, आंसर बोलूंगा, और उसी वक्त हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, हमने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है। तो पूरा पेपर एज अ टेस्ट तुमको सॉल्व करके आना है, ठीक है? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? टेस्ट कितने टाइम का? 15 मिनट्स का। 15 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट्स ले सकते हो, लेकिन 20 मिनट के अंदर आप लोगों 20 मिनट में ख़त्म हो जाए तो क्या करना है? 20 मिनट में तुम्हारे अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए तो क्या करना है? पलट के रख देना है, हाथ नहीं लगाना है। समझ में आया? समझ में आया? पहले क्या करोगे, रिवाइज करोगे कि पहले सीधा अटेम्प्ट मारोगे? नहीं, पहले सीधा घर जाके अटेम्प्ट मारना है, उसके बाद रिविज़न करना है। क्यों? क्योंकि आप जेई के एग्जाम से पहले क्या आप 90 चैप्टर्स को रिवाइज मार दोगे एक दिन पहले? 90 चैप्टर होंगे ना, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स तीनों कंबाइन ही होगा ना वहाँ, तो क्या आप 90 चैप्टर को रिवाइज मार सकते हो? नहीं। हम लोगों को आदत बनाना है। क्या आदत बनाना है? कि हमको एक बार पढ़ा हुआ चीज याद रहना चाहिए, ठीक है? हमको उसकी हैबिट लानी है। हैबिट लाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है? रिवीजन करके तो कोई भी लाएगा अच्छे मार्क्स, बिना रिवीजन के अटेम्प्ट मारो, और बाद में तुम्हें अगर गलती पता पड़ रही है तो सही मत करना। समझ में आया? सही मत करना, वो क्लास में ही सही करेंगे हम लोग। तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत होगा वो तुम्हारा डाउट होगा, ऐसा नहीं कि तुम लोग किसी और से पूछ लोगे और फिर उस क्वेश्चन को सही कर लोगे, उससे तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं होगा, वो गलती तुम फिर से करोगे। लेकिन जो गलती तुम मुझसे डाउट पूछ लोगे वो गलती तुम दोबारा नहीं करोगे, इस चीज की ज्यादा चांसेस है। समझ में आया? बात क्लियर हुआ? तो कैसे करना है डीपीपी? स्टडी टेबल पे 20 मिनट लेके बैठता है और सीधा जाके अटेम्प्ट मारना है, बिना कॉपी खोले सीधा आज जाके ऐसे ही करना है। ये करोगे तो 100% तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जिसकी तुमने सोचा नहीं होगा, ठीक है? इस चीज की गारंटी मेरी है, तुम लोग मेरी बात मानो बस इसमें, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, न्यू कन्वेंशन। डीपीपी को सोल्व करने का तरीका तुमको मिल चुका है, तो अब तो तुम लोग आगे बढ़ जाओगे। अब लिखो न्यू कन्वेंशन क्या होता है, बोलो। न्यू कन्वेंशन क्या था, बताओ। न्यू कन्वेंशन क्या था? ऑल फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे बेटा, काउंट नहीं करेंगे पेरेंट चेन में। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नहीं करेंगे पेरेंट चेन में, काउंट नहीं करेंगे, और सबको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। लेकिन क्या मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप मानते हुए उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे, ठीक है? तो लिखो, अगर ऐसा करा, मतलब आप लोग समझ गए, इन अ न्यू कन्वेंशन सी एच ओ ग्रुप इज कॉल्ड कार्ब एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा सी एच ओ ग्रुप को? कार्ब एल्डिहाइड ग्रुप। बात क्लियर है? सी एच ओ ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं?
कार्बेल्डिहाइड। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब, सी ए आर बी, सी ए आर बी, देख लो इधर नाम, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका नाम होगा, ठीक है, कार्ब एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे। ये बात क्लियर है? अब मुझे एक चीज थोड़ा सा समझाना आप लोग कि क्या करेंगे न्यू कन्वेंशन में, फिर से बोलो। हाँ, सी एच ओ ग्रुप को, सी एच ओ ग्रुप को हम मेन पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे, और सी एच ओ ग्रुप की जगह हम क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड नाम लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिख लो कहीं, या फिर तुम लोगों को लिखाया गया है, ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसा लिख, चलो ठीक है। अब इसमें बताओ इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग बोलो क्या होगा जल्दी से, इसका नेमिंग कैसे लिखोगे, क्या किसी सी एच ओ ग्रुप को एज्यूम करोगे, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 बताओ अब नाम क्या होगा, बोलो, प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3 कार्ब एल्डिहाइड। किसको समझ में आ गया, सॉरी ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, समझ में आया, समझ में आया, किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर हुआ, पक्का, इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, ये वाला नाम न्यू कन्वेंशन के हिसाब से जल्दी बताओ, मेथेन 1, 1 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा जल्दी बोलो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से, मिथेन 1, 1, 1 टेट्रा। अब तुम्हें समझ में आ गया ना मैंने इसको सिमिलर टाइप में क्यों रखा है, अब याद रहेगा, लिख लो न्यू कन्वेंशन, लिख लो इसमें न्यू कन्वेंशन, अब आप लोग ठीक है न्यू कन्वेंशन लिखो, अभी कितना टाइम बचा है, 15 मिनट बचे हैं, और कोई भी कॉपी ओपन ना करें बेटा, जल्दी कर, टाइम नहीं है, इसको छोड़ दो।